Hello students, here is your math teacher Sanjeev Sikri. Today I am going to take a question from chapter Applications of Trigonometry for standard 10. So let's read the question. The angle of elevation of a cloud from a point H meter above the lake is alpha and angle of depression of its reflection in the lake is beta. That means we are given one the angle of elevation of cloud and one the angle of depression of its reflection in the lake beta. We need to prove that the height of cloud or distance of cloud from the point of observation. We need to find the distance of cloud from the point of observation. So let's draw the diagram before solving it. The statement will be more clear to you. This is the horizontal, that is the surface of lake. So yahan pe hum lake thodi si show kar dete hain so that aapko statement thodi jyada clear ho jaye. This is the lake. This is the surface of lake and the question is angle of elevation of a cloud from a point h meter above the lake. Lake se h meter above. To ye point le le A, ye point le le B aur ye distance aagi h meter. Point h meter above the lake. Yahan se angle of elevation of a cloud. Yahan pe cloud hai. To cloud show kar dete hain. Angle of elevation of cloud. To angle of elevation hai. That means we need to have a horizontal. और ये एंगल कितना है अल्फा. आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर अबव द लेक इज अल्फा. फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन. क्लाउड क्योंकि लेक के ऊपर है तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या है नीचे आएगी. ये आएगी हाइट ऑफ द क्लाउड और उतनी ही इसकी रिफ्लेक्शन चली जाएगी नीचे क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा है distance of image from the mirror is same as distance of object from the mirror. तो वही formula यहाँ पे लगेगा. The surface of lake will work as a mirror. जितना cloud lake से ऊपर होगा उतनी इसकी image जो है वो lake के अंदर बनेगी. यहाँ से the angle of reflection depression of the reflection is beta. So I hope statement is clear to you. Sorry. The angle of elevation of a cloud from a point h meter above the lake is alpha and angle of depression of its reflection in the lake is beta. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जितनी cloud की height lake से होती है उतनी उसकी reflection जो है वो नीचे होती है. इसका मतलब ये दोनों distances जो है वो equal आएंगी. मैं इसको मान लेता हूँ point P, इसको Q और इसको R. It means PQ is equal to QR. और ये पॉइंट ले लेते हैं C. ये ABH है तो ये CQ भी कितनी आएगी H आएगी. तो ये जो हाइट है इसको हम H मान लेते हैं. ये वाली भी H आ जाएगी आपके पास क्योंकि दोनों इक्वल हैं. ये इधर H है तो ये भी H होगी. ये PC अब जो रहेगी आपके पास वो क्या आएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल H. कैपिटल H माइनस स्मॉल H. और जो सी आर है वो आएगी कैपिटल एच प्लस एच क्योंकि सी क्यू आर प्लस सी क्यू. सो दीज आर द टर्म्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन. और जो हमने फाइंड करनी है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है और इसकी क्लाउड से जो डिस्टेंस है वो ए पी है जो हमने प्रूव करनी है ये है. तो मैं इसको x मान लेता हूं जो हमने फाइंड करनी है. स्टूडेंट्स आई होप डायग्राम इज क्लियर टू यू. लेट्स राइट द टर्म्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन. तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. हियर ए बी सी क्यू. ए बी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू एच मीटर. लेट पी क्यू and QR. PQ is equal to QR is equal to capital H. और एक हमने लेट किया है AP को. AP को क्या लिखा है X. So these are the terms. अब जो इसके हेल्प से हमने फाइंड करनी है वो है PC. PC आपके पास आ गई H minus H और एक RC. RC आ गई H प्लस एच. सो स्टूडेंट्स ये हमने टर्म्स यूज करनी है क्वेश्चन में. तो चलिए
जैसे कि आपको मैंने पहले अपने क्वेश्चन में बताया है कि ये क्वेश्चंस देखने में डिफिकल्ट होते हैं, सॉल्व करने में बिल्कुल भी नहीं। तो सॉल्व कैसे करेंगे इनको, जो आपने प्रूव करना है उसमें टी रेशियोज देख लीजिए क्या क्या है। इसमें टी रेशियोज है सीकेंट अल्फा, टेन बीटा, टेन अल्फा। अब आपको दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, एक ट्राइंगल है पी सी ए और एक ट्राइंगल है आर सी ए। अगर हम पी सी ए में देखें जो कि अल्फा वाली ट्राइंगल है, तो हमें चाहिए सीकेंट और टेंजेंट। इसका मतलब यहां से सीकेंट और टेंजेंट दो वैल्यूज निकलेंगी। और अगर आर सी ए को देखें जो बीटा वाली ट्राइंगल है, तो उसमें एक ही चाहिए टेन बीटा, तो इससे टेन बीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसी में पुट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसको हम अप्लाई करते हैं। पहले ट्राइंगल आएगी पी सी ए, पी सी ए में क्या चाहिए हमें, टेन अल्फा, टेन अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस। पीसी कितना है देखिए ध्यान से, इट इज एच माइनस एच, एच माइनस एच, ए सी एज इट इज लिख देंगे। और चाहिए हमें सीकेंट अल्फा, सीकेंट अल्फा। अब अगर सीकेंट की बात करें, इट इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज एपी ओवर बेस एसी। एपी को हमने क्या लिया है, एक्स यहां लिखा है, और एसी को एज इट इज रहने देंगे। अब अगर दूसरी ट्राइंगल लें, दूसरी ट्राइंगल कौन सी आ रही है स्टूडेंट्स, आर सी ए, इन ट्राइंगल आर सी ए। यहां पे हमें चाहिए टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा मींस परपेंडिकुलर आर सी ओवर बेस एसी, बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो चलिए पहले टेन बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज एच प्लस एच, और एसी को एज इट इज रहने देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पे तीन टी रेशियोज आ गई, एक टेन अल्फा जिसको हमने यूज करना है, एक सीकेंट अल्फा, और तीसरी टेन बीटा। ये टी रेशियोज है तीन जो हमने यहां पे यूज करनी है। चलिए जो प्रूव करना है मैंने आपको पहले भी समझाया है, ऐसे क्वेश्चंस में जो आपने प्रूव करना हो उसी को उठाएं। तो चलिए यहां पे टी रेशियो वाला पार्ट उठाते हैं हम, वो क्या है आपके पास, सीकेंट अल्फा ओवर टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, सीकेंट बीटा माइनस सीकेंट अल्फा ओवर टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। वैल्यूज पुट करते हैं एक एक करके, सीकेंट अल्फा इज एक्स ओवर ए सी, एक्स ओवर ए सी, टेन बीटा, टेन बीटा इज एच प्लस एच ओवर ए सी, माइनस टेन अल्फा एच माइनस एच ओवर ए सी। तो चलिए ऊपर एस डीज रहने देते हैं एक्स ओवर ए सी, और नीचे एलसीएम अप्लाई करते हैं जो कि आएगा ए सी। तो यहां पे अगर सॉल्व करें ये बन जाएगा एच प्लस एच, बी माइनस देयर साइंस विल चेंज, एच माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें ए सी एंड ए सी विल कैंसल, यहां पे एच एंड एच विल, सॉरी ये मैं गलत काट गया, ये आएगा आप कैपिटल एच कटेगा स्मॉल नहीं, कैपिटल एच एंड कैपिटल एच विल कैंसल एंड यू लेफ्ट विद एक्स ओवर टू एच, टू स्मॉल एच। तो ये अपने पास बचता है जो कि वैल्यू आ रही है सीकेंट अल्फा ओवर टेन बीटा माइनस टेन अल्फा की। अब अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो टू एच इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर आ जाएगा सिर्फ x, तो मैं x इज इक्वल टू शिफ्ट करते हैं 2h इंटू सीकेंट अल्फा ओवर टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो यही हमने प्रूव करना था कि डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2h सीकेंट अल्फा ओवर टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। सो यू जस्ट सी how easy this question is, you just need to read the diagram carefully, draw it carefully and then find the values of t ratios जो आपने prove करनी है और उन्हीं t ratios को question में put कर दीजिए, आपके पास जो find करना है वो automatically आ जाएगा।
So students, if you are getting my questions, please keep on subscribing my channel, Sanjeev Sikri PB05. Thank you very much.